अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर फाइन। आर टुडेज़ लेसन इज़ अबाउट एसे राइटिंग। यू हैव टू राइट एन एसे ऑन योर सेल्फ। माई सेल्फ एसे, नेम ऑफ एसे इज़ बेसिकली माई सेल्फ। यू विल बी गोइंग टू इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। आप लोग अपने आप को इंट्रोड्यूस कराओगे, आपके बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन होगा। मैंने आप लोगों का जो एसे का एक स्केच है वो प्रिपेयर कर दिया है। आप लोगों ने सिंपली इन ब्लैंक्स को फिल करना है। आपने अपने नोटबुक्स पे इसको कॉपी करना है। आप लोगों ने इसका प्रिंट नहीं निकलवाना, आप लोगों ने इसको अपने नोटबुक्स पे कॉपी करना है और सिंपली जो ब्लैंक्स हैं उनको फिल करना है। आपकी हेल्प आउट के लिए ये टेबल्स दिए गए हैं। इन टेबल्स को भी आपने कॉपी नहीं करना, आपने सिर्फ इनसे हेल्प लेना है। सेंटेंसेस आपने सिर्फ ये जो हैं सेंटेंसेस वो अपनी नोटबुक्स पे कॉपी करने हैं। यू सिंपली हैव टू राइट योर नेम। पहले आप अपना नाम लिखोगे, उसके बाद आई एम फ्रॉम डैश, इधर आप अपनी कंट्री का नाम लिखोगे। आपने ये वर्ड कंट्री कॉपी नहीं करना, ये सिर्फ आपको हेल्प आउट करने के लिए मार्क किया गया है कि आप किस कंट्री से हो। आपने इस सेंटेंस में ये बताना है। नेक्स्ट सेंटेंस में आई लिव इन डैश सिटी आपने अपना बताना है। फिर आप आई एम डैश ईयर्स ओल्ड, आप कितने ईयर्स ओल्ड हो, आपकी एज क्या है। माई बर्थडे इज़ ऑन डैश, आपका एज क्या है। फॉर एग्ज़ाम्पल डैश मार्च 9 2000, वट एवर योर डेट ऑफ बर्थ इज़। आई एम अ स्टूडेंट एट डैश, अब यहाँ पर आपने अपने स्कूल का नाम बताना है कि आप किस स्कूल में पढ़ते हो। आई एम अ स्टूडेंट एट डैश स्कूल। माई फेवरेट सब्जेक्ट, अब सब्जेक्ट की लिस्ट दी हुई है। आपका जो सा फेवरेट सब्जेक्ट है, जो आपको पसंद है, वो सब्जेक्ट का आप नाम लिखोगे। सिंपली आप पूरा सेंटेंस कॉपी करोगे और ब्लैंक में अपना फेवरेट सब्जेक्ट का नाम लिख दोगे। नेक्स्ट योर फेवरेट स्पोर्ट, स्पोर्ट का कोई टेबल नहीं दिया हुआ, या आपको जो स्पोर्ट पसंद है, हाइड एंड सीक, रनिंग और बैडमिंटन और वट एवर द गेम यू लाइक, यू हैव टू पुट द नेम हेयर। आपने सिंपली यहाँ पर नाम लिख देना है उस गेम का। देर आर डैश पीपल इन माई फैमिली, आपकी फैमिली में कितने लोग हैं, नंबर ऑफ पीपल आपने लिखना है। फिर माई फादर इज़ अ बिजनेस मैन और शॉपकीपर और एम्प्लॉय और वट एवर योर फादर इज़। एंड माई मदर, अगर आपकी मदर जो है टीचर हैं या लेक्चरार हैं या ऑफिस जॉब है उनकी या जिस भी तरह। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारी मोस्टली हमारी मदर्स जो हैं वो हाउस वाइफ्स हैं, तो वी कैन पुट माई मदर इज़ हाउस वाइफ और शी इज़ डैश और शी इज़ वट एवर यू वॉन्ट टू राइट, वट एवर योर मदर डू, योर मदर वट एवर योर मदर इज़ डूइंग एट योर होम्स और जॉब्स, वट एवर यू थिंक इज़ अप्रोप्रिएट फॉर यू और इन योर केस, जो आपको लगता है कि आपके केस में अप्रोप्रिएट बात है, जो आपको लगता है सही बात है कि आपकी अम्मी आपकी वालिदा क्या करती हैं। आई वुड लाइक टू बी अ डैश, अब आप क्या बनना चाहते हो बड़े होके, बिकॉज डैश। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप टीचर बनना चाहते हो, क्यों क्यों बनना चाहते हो, कि वो दूसरों को पढ़ाते हैं, दूसरों की हेल्प करते हैं, इसी तरह डॉक्टर के केस में भी। तो जो ये बिकॉज के बाद वाला सेंटेंस है, ये आपको खुद राइट करना है कि आप क्यों बनना चाहते हो और क्या बनना चाहते हो। आपकी हॉबीज़ क्या हैं, हॉबीज़ क्या होती हैं, वो आपको यहाँ छोटा सा टेबल दिया गया, इसमें से अगर आपकी कोई हॉबी है तो आप वो लिख सकते हो। दो या तीन लिखनी है, बहुत ज़्यादा नहीं, सॉरी एक हॉबी लिखना है, क्योंकि इज़ है आपकी क्या हॉबी है आप लिख सकते हो। और अगर इसमें से कोई आपकी हॉबी नहीं है तो जो आपकी हॉबी है वो आप मेंशन कर दो। आई डोंट लाइक डैश, कोई ऐसी बात जो आपको पसंद नहीं है, जैसे आपको झूठ बोलना नहीं पसंद या आपको घर से बाहर जाना नहीं पसंद, इस तरह की बात। आई डोंट लाइक टू गो आउट और आई डोंट लाइक टू टेल लाइज, इस तरह की बातें। माई फेवरेट फूड, आपकी कौन सी फेवरेट फूड है, आपकी फेवरेट ड्रिंक क्या है, फेवरेट डे ऑफ वीक क्या है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको संडे पसंद है क्योंकि दैट्स अ हॉलीडे। माई फेवरेट मंथ, आपका मंथ क्या है, फेवरेट कोई भी मंथ लिख सकते हो आप। फॉर एग्ज़ाम्पल अगस्त लिख दो कि आप क्यों, क्योंकि इट्स अर इट टेक्स आर इंडिपेंडेंस डे, या इसमें हमारा मेरा बर्थडे आता है, या फिर इसमें हमारा फैमिली फीस्ट होता है, या कोई भी ऐसा मंथ जो भी आप लिखो आपको क्यों पसंद है, इस पर भी आपने एक वर्डिंग क्रिएट करनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल बिकॉज माई बर्थडे इज़ इन दैट मंथ, बिकॉज इंडिपेंडेंस डे इज़ इन दैट मंथ, इस तरह। अब आपका
फेवरेट मूवी कौन सी है, मूवीज़ दी गई हैं, अगर आपको मूवीज़ नहीं पसंद तो आप कार्टून का नेम लिख सकते हो कि आई लाइक बेंटन कार्टून्स और पावर पफ गर्ल्स कार्टून्स, जो वट एवर कार्टून यू वॉच, आई डोंट नो मैनी नेम्स। आई डोंट लाइक ट्रैवलिंग। अब आप लोग अगर नहीं पसंद करते ट्रैवलिंग तो यू शुड पुट डोंट। अगर आप पसंद करते हो तो यू डोंट नीड टू पुट डोंट, तब आप डोंट को पुट नहीं करोगे सेंटेंस में, आई लाइक ट्रैवलिंग लिखोगे और आई हैव बीन टू डैश आप किस जगह गए हो। फॉर एग्ज़ाम्पल आई हैव बीन टू नारान और आई हैव बीन टू वट एवर एनी पार्क। अगर आप किसी पार्क गए हो, द मोस्ट ब्यूटिफुल प्लेस इन माई कंट्री इज़, आपको क्या लगता है कि हमारे कंट्री का मोस्ट ब्यूटिफुल, सबसे ज़्यादा खूबसूरत प्लेस क्या है, जगह कौन सी है? फॉर एग्ज़ाम्पल फैसल मस्जिद और बादशाही मॉस्क और वट एवर यू थिंक इज़ ब्यूटिफुल प्लेस ऑफ आवर कंट्री, जस्ट पुट द नेम हेयर। आई स्टडी इंग्लिश बिकॉज, अब आप इंग्लिश क्यों पढ़ते हैं, ये जो है आप अपना सेल्फ जो है आप टेस्टिंग करेंगे, आप सोचेंगे देखेंगे कि आप इंग्लिश क्यों पढ़ रहे हैं। और सिर्फ इंग्लिश के लिए ये वाला टेबल दिया गया है, ये बाकी बिकॉजेस के लिए ये वाला टेबल नहीं है, ये वाला टेबल सिर्फ इंग्लिश के लिए दिया गया है। आप लोगों ने इससे हेल्प लेनी है कि आपको वो पसंद है या आपको ज़बरदस्ती पढ़ाई जा रही है या आपका सिलेबस है तो आपको इसलिए पढ़नी होती है, तो आप यहाँ से उसको पिक कर सकते हो। बाकी सेंटेंसेस ये मंथ्स के नेम और इस तरह की चीज़ें दी हुई हैं ताकि आप हेल्प ले सको इनसे अपने जो आपका पूरा एसे है उसको लिखने में, कंप्लीट करने में। आपने अपना एसे जो है अपनी नीट जो आपकी ग्रामर की नोटबुक्स हैं, आई होप आपने अपना प्रीवियस जो क्रिएटिव राइटिंग के 10 सेंटेंसेस थे लिख लिए होंगे। आपने अपने लेफ्ट साइड पर उसका प्रिंट चिपकाना था, पेस्ट करना था और राइट पे आपने उस पर 10 सेंटेंसेस लिखने थे। अब अगले पेज पे आप लिखोगे ऐसे इंट्रोडक्शन टू योरसेल्फ या माय सेल्फ, वट एवर नेम यू लाइक टू राइट यू कैन राइट। आपको जो नाम पसंद है, इंट्रोडक्शन ऑफ माय सेल्फ या इंट्रोड्यूस योरसेल्फ या माय इंट्रोडक्शन या माय सेल्फ, ऐसे लिख के आगे उसका नाम लिखो माय सेल्फ, उसके नीचे आपने ऐसे ही लाइन वाइज अपना सारा ऐसे लिखना है। प्लीज़ डोंट पुट डॉट्स, आपने डॉट्स नहीं डालने, ना आपने ब्रैकेट्स वाली चीज़ें लिखनी है, आपने सिंपली एक ऐसे की फॉर्म में, ये स्केच आपको दिया गया है ताकि आपको सारी की सारी चीज़ खुद से ना लिखनी पड़े, आपकी थोड़ी सी हेल्प आउट, बल्कि मोस्टली मैंने आपको हेल्प आउट कर दिया। आपने सिर्फ इन ब्लैंक्स को फिल अप करना है और इसको कॉपी पेस्ट करना है अपनी कॉपीज़ पे, इन चीज़ों की हेल्प लेके आहिस्ता आहिस्ता हम मूव करेंगे फर्दर एसेस पे। काइंडली आप लोगों ने काम ज़रूर करना है, आपको किसी भी किस्म का इशू आता है काइंडली वॉइस नोट में मुझे वॉइस नोट्स भेजें, मैसेजेस करें व्हाट्सएप पे, व्हेनेवर आई विल बी फ्री आई विल रिप्लाई यू एज सून एज पॉसिबल, जितनी जल्दी हो सकेगा मैं आपको रिप्लाई करूँगी किसी भी किस्म की क्यूरी हो। तो काइंडली डू योर होमवर्क, नीटली डू योर होमवर्क, complete your notebooks, meet you in the next meeting, till then take care of yourselves, Allah Hafiz.